हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है और पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर को करेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है और वो कैसे पावर फैक्टर को करेक्ट करता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में इलेक्ट्रिसिटी की 50 साइकिल क्रॉस हो जाती है। तो दोस्तों, साइकिल मतलब क्या होता है? आप लोग ये जो वेवफॉर्म देख रहे हैं, ये एक साइकिल है। ऐसी 50 साइकिलें क्रॉस हो जाती है 1 सेकंड में। तो दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की साइकिल है, इसका हाइट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ की साइकिल है। तो दोस्तों, कंसिडर कर लो कि ये वोल्टेज की साइकिल है। तो सिंगल फेज में वोल्टेज कितना आता है? 220 वोल्ट। तो इसका एप्लीट्यूड कितना हो जाएगा? 220 वोल्ट। जैसे ये वोल्टेज की साइकिल हो गई, सेम इसी प्रकार करंट की भी एक साइकिल होगी। तो दोस्तों, कंसिडर कर लो कि हमारे करंट की साइकिल है। करंट की साइकिल का हाइट कितना होगा वो डिपेंड करता है कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। हमारे जो वोल्टेज की साइकिल होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि हमारे वोल्टेज फिक्स होता है। बट दोस्तों, हमारा करंट चेंज होते रहता है, इसके लिए हमारे करंट की साइकिल कितनी बड़ी होगी वो डिपेंड करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे मैं अभी कंसिडर कर लेता हूँ कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारे साइकिल की हाइट कितनी होगी? 1 एम्पियर जितनी। दोस्तों, ये तो बात रही कि वोल्टेज एंड करंट की साइकिल। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि ये दोनों साइकिल अलग अलग है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये दोनों साइकिल एक ही में होती है, मतलब एक ही वायर में से ये दोनों साइकिल क्रॉस होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, मैंने वोल्टेज एंड करंट की वेवफॉर्म एक ही में बनाई है। तो एक्चुअल में ऐसे ही हमारी साइकिल फ्लो होती है। तो दोस्तों, हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो ऐसी 50 साइकिलें क्रॉस हो जाती है पर सेकेंड में। दोस्तों, पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज पावर फैक्टर। द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। मतलब दोस्तों, वोल्टेज की जो वेवफॉर्म एंड करंट की जो वेवफॉर्म के बीच में कोसाइन एंगल होता है, उसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं। दोस्तों, इसको और अच्छे से समझेंगे अभी। पावर फैक्टर को शॉर्ट में पीएफ भी बोला जाता है। दोस्तों, कितने टाइप के पावर फैक्टर होते हैं? फर्स्ट इज यूनिटी पावर फैक्टर, सेकंड इज लैगिंग पावर फैक्टर एंड थर्ड इज लीडिंग पावर फैक्टर। ये 3 टाइप के पावर फैक्टर होते हैं। दोस्तों, ये तीनों पावर फैक्टर को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने टाइप के लोड होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। रेजिस्टिव लोड होता है, इंडक्टिव लोड होता है एंड कैपेसिटिव लोड होता है। तो रेजिस्टिव लोड में कौन कौन से लोड आते हैं? प्रेस, हीटर, वाटर हीटर और इनकंडेंसेंट बल्ब, ये सब रेजिस्टिव लोड हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी मतलब वोल्टेज एंड करंट की जो वेवफॉर्म है वो साथ में क्रॉस होती है 0 डिग्री पर। जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, जो बैगनी मतलब पर्पल कलर की जो वेवफॉर्म है वो वोल्टेज की है और जो ऑरेंज कलर की वेवफॉर्म है वो करंट की है। ये दोनों एक साथ 0 पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं। तो वोल्टेज एंड करंट के बीच में कुछ भी एंगल क्रिएट नहीं होगा, मतलब 0 एंगल होगा। पावर फैक्टर को डिनोट किया जाता है कॉस टीटा से। टीटा मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल। तो रेजिस्टिव लोड में कितना एंगल होगा? 0। तो पावर फैक्टर कितना हुआ? कॉस 0 होता है 1। 1 मतलब यूनिटी पावर फैक्टर। अब देख लेते हैं इंडक्टिव लोड में कौन कौन से लोड आते हैं। दोस्तों, जितने भी मोटर होते हैं वो सारे इंडक्टिव लोड हैं, जैसे कि सीलिंग फैन, टेबल फैन, वाटर पंप, मिक्सर, ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, जितने भी मोटर हैं वो सारे इंडक्टिव लोड हैं। दोस्तों, इंडक्टिव लोड लैगिंग पावर फैक्टर बनाता है। इंडक्टिव लोड मतलब जिसमें कॉइल होता है वो इंडक्टेंस होता है। दोस्तों, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो करंट को तुरंत चेंज नहीं होने देता, मतलब इंडक्टेंस अपोज टू सडन चेंज ऑफ करंट, जिसकी वजह से हमारा करंट पीछे रह जाता है वोल्टेज से। वो कितना पीछे रह जाता है वो डिपेंड करता है कितना इंडक्टेंस है। दोस्तों, अगर लोड प्योर इंडक्टिव होगा तो करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा। तो पावर फैक्टर क्या होगा प्योर इंडक्टिव के लिए? कॉस 90 इज इक्वल टू 0। मतलब पावर फैक्टर प्योर इंडक्टिव लोड के लिए 0 होगा। बट दोस्तों, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि प्योर इंडक्टिव लोड हो। मोटर की कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं, पर्पल कलर वाली वेवफॉर्म वोल्टेज की है एंड ग्रीन कलर वाली वेवफॉर्म करंट की है। तो वोल्टेज की वेवफॉर्म पहले 0 पॉइंट को क्रॉस कर रही है और करंट की वेवफॉर्म कुछ देर बाद क्रॉस कर रही है, मतलब ये लैगिंग पावर फैक्टर है। दोस्तों, नॉर्मली मोटर का पावर फैक्टर 0.8 होता है, मतलब वोल्टेज एंड करंट के बीच में 36.86 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है, मतलब करंट 36.86 डिग्री पीछे रह जाता है। तो कॉस थीटा कॉस 36.86 इज इक्वल टू होता है 0.8 पावर फैक्टर। दोस्तों, अब देख लेते हैं कैपेसिटिव लोड कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली कैपेसिटिव लोड कोई भी नहीं होते हैं, इसके लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं एज अ कैपेसिटिव लोड। दोस्तों, प्योर कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री आगे रहता है वोल्टेज से, इसके लिए इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब जैसा कि आप लोग वेवफॉर्म में देख सकते हैं,
पर्पल कलर की जो वेव फॉर्म है वो वोल्टेज की है एंड जो ग्रीन कलर की वेव फॉर्म है वो करंट की है। ग्रीन वेव फॉर्म जीरो को पहले क्रॉस कर रही है फिर वोल्टेज की वेवफॉर्म क्रॉस कर रही है, सो इसको लीडिंग पावर फैक्टर बोलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि रेजिस्टिव लोड भी होता है, इंडक्टिव लोड भी होता है, पर कैपेसिटिव लोड नहीं होता है। इसकी वजह से दोस्तों हमारी इंडस्ट्री का पावर फैक्टर लैगिंग ही होता है। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि हमारा पावर फैक्टर लीडिंग में है। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर 60% लोड इंडक्टिव लोड ही है और जो 40% लोड है वो हमारे रेजिस्टिव लोड है। कैपेसिटिव लोड कोई भी नहीं होता है। तो इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव लोड इतना ज्यादा होने की वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पावर फैक्टर हमेशा लैगिंग में ही होता है। दोस्तों पावर फैक्टर अगर लैगिंग होगा या तो लीडिंग होगा तो भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लॉस होता है। पावर फैक्टर लैगिंग हो या लीडिंग हो, इसकी वजह से हमारा जो वायर का साइज होता है वो भी बढ़ जाता है, मतलब बड़े साइज का वायर लगाना पड़ता है। ये किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि हमारी इंडस्ट्री का या हमारे बिल्डिंग का 0.8 पावर फैक्टर मेंटेन है या तो 0.7 पावर फैक्टर है। तो इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग APFC पैनल का यूज करते हैं। APFC पैनल की सहायता से हम लोग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं, मतलब यूनिटी पावर फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। यूनिटी पावर फैक्टर सबसे बेस्ट होता है। APFC पैनल ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। APFC पैनल के अंदर हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। दोस्तों अगर पावर फैक्टर लैगिंग कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर हम लोग कैपेसिटर डालते हैं। कैपेसिटर डालने की वजह से क्या होता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडक्टर जो है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा करंट पीछे रह जाता है, और जो हमारा कैपेसिटर है उसकी वजह से क्या होता है हमारा करंट आगे जाता है। तो दोस्तों समझ लीजिए, अगर 30 डिग्री पीछे हमारा करंट गया है लैगिंग पावर फैक्टर होने की वजह से, तो हम लोग कैपेसिटर डालेंगे जिससे कि वो 30 डिग्री करंट को आगे खींच के लेके आए, तो दोनों का काम अपोजिट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा करंट 1 पे मेंटेन रहेगा, मतलब हमारा इंडक्टर 30 डिग्री पीछे खींच रहा है और हमारा कैपेसिटर 30 डिग्री आगे खींच रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वोल्टेज जब 0 को क्रॉस करता है सेम उसी टाइम पे हमारा करंट भी 0 को क्रॉस करेगा, मतलब हमारे ओवरऑल सिस्टम की पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, यूनिटी। तो दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। APFC पैनल कैसे वर्क करता है वो हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। अब देख लेते हैं पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। P = VI cos θ, ये हमारे पावर का फॉर्मूला है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, cos θ मतलब ही पावर फैक्टर होता है। तो हमें पावर फैक्टर निकालना है, तो VI को मैं = के उस साइड भेज दूंगा, तो cos θ = हो जाएगा P/VI। इसको हम लोग दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, kW/kVA। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। तीन टाइप के पावर फैक्टर होते हैं, यूनिटी, लैगिंग एंड लीडिंग। नॉर्मली हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर लैगिंग पावर फैक्टर ही होता है, उसको यूनिटी पे मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं। लैगिंग पावर फैक्टर किसकी वजह से होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जितने भी मोटर यूज होते हैं उनकी वजह से लैगिंग पावर फैक्टर क्रिएट होता है। लैगिंग पावर फैक्टर या लीडिंग पावर फैक्टर का डिसएडवांटेज क्या है कि पावर लॉस होता है एंड वायर का साइज ज्यादा लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।